आज मैं पापड़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिससे हम चाट पापड़ी बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। होली पे इसे हम 5 दिन पहले ही बना के रख लेते हैं और होली के दिन इसकी प्लेटिंग करके हम पापड़ी चाट बना लेते हैं। फटाफट घर आए मेहमानों को शब्द करते हैं, खाने में टेस्टी होता है, देखने में सुंदर होता है। तो इस रेसिपी को आप भी जरूर ट्राई कीजिए। अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए हम एक पापड़ी आपको तोड़ के दिखा देते हैं, ये कितनी क्रिस्पी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि हम हाथ से मैसते हैं तो बिल्कुल टुकड़ा चूर हो रहा है। तो इस रेसिपी को आप भी बनाइए। पापड़ी बनाने के लिए हम सबसे पहले एक ट्रे लेंगे और उस पर एक झरनी रख के मैदे को छान लेंगे। तो यहाँ पे हम एक कटोरी मैदे की पापड़ी बना रहे हैं, तो इसे हम छान लेंगे अच्छे से। आप देख सकते हैं ये फ्रेश मैदा तैयार हो गया। अब हम इसमें 2 छोटा चम्मच तेल डालेंगे, स्वाद के अनुसार हम नमक डालेंगे। तो यहाँ पे हम 1 छोटा चम्मच नमक डाल रहे हैं। 1 चम्मच हमने अजवाइन लिया है। अब हम अजवाइन को हथेली पे ऐसे क्रश कर लेंगे। क्रश किया हुआ अजवाइन का फ्लेवर अच्छा आता है चाट पापड़ी में, इसे डाल लेंगे। अब हम हथेली से इसे अच्छे से मैसेंगे, यानी कि तेल मैदे के साथ अच्छे से मिक्स होना चाहिए। तो हम अच्छे से ऐसे मैश लेंगे। आप देख सकते हैं हमने तेल को अच्छे से मैदे के साथ मिक्स कर लिया है। तो इसकी ये पहचान है, हम मुट्ठी बांधे तो मैदा अच्छे से बंध जाता है। अब हम इसे पानी डाल के एक शक डो बनाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालना है हमें, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। और हमें डो चाहिए शक, यानी कि हार्ड डो चाहिए। तो हम इसे थोड़ा थोड़ा पानी का ऐसे छिड़काव करके डो तैयार करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने हार्ड डो तैयार कर लिया है, ये जल्दी अंगुली अंदर नहीं जा रहा है। ऐसे ही हमें पापड़ी के लिए डो चाहिए। अब हम इसे कवर करके और 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे रेस्ट करने के लिए। फिर हम इसकी पापड़ी बना के दिखाएंगे आपको। डो अपना सेट हो चुका है, चलिए हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो डो को हम फिर से एक बार ऐसे मसल लेंगे अच्छे से। डो को हमने एक बार फिर से मसल लिया। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया अपनी पापड़ी का डो तैयार हुआ है। अब हम इसके 2 टुकड़े कर लेंगे। तो ऐसे हम 2 टुकड़े करेंगे और इसके बॉल्स बना लेंगे, बिल्कुल जैसे हम पूड़ी का या पराठा का लोई तैयार करते हैं, उसे हम इसका एक बॉल बना लेंगे। हमने दोनों लोई तैयार कर लिए हैं। अब चलिए हम इसको बेल लेते हैं। हमने रोटी बेलने वाला चकला लिया है, इसको हल्का सा तेल से हमें ग्रीस कर लेंगे। बेलन को भी हल्का सा हम तेल लगा लेंगे और इस पे हम ये पापड़ी का डो रखेंगे। इसको हमें एकदम रोटी के जैसे बड़ा सा बेल लेना है। हमने इसे बड़ा साइज में बेल लिया है। तो आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस, ऐसे ही हमें पापड़ी के लिए बेलना है, बड़ा सा पूरा बेल देना है। आप चाहें तो इसे प्लेटफॉर्म पे भी बेल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे एक फूक की मदद से होल करेंगे। इससे क्या होता है, अपनी पापड़ी जो है वो फूलती नहीं है। तो हमें अच्छे से गोंद लेना है कांटे की मदद से। हमने अच्छे से इसे फोक की मदद से गोद लिया है। अब हम एक कटर लेंगे, या तो आपके पास कोई छोटी सी कटोरी का हो, ढक्कन हो, या कोई भी रिंग कटर हो, यानी कि एक छोटी साइज की कटर होनी चाहिए। इससे हम ऐसे दबाते हुए पापड़ी काट लेंगे। ज्यादा बड़ी साइज की नहीं बनानी होती है पापड़ी, इसकी एकदम छोटी छोटी साइज होनी चाहिए। तो एक बार में 8 से 10, 15 आराम से बन जाते हैं।
आप देख सकते हैं हमने इसमें कितने सारे पापड़ी बना लिए हैं। अब हम ये डो को ऐसे साइड से निकाल लेंगे और पापड़ी को अलग कर लेंगे। अच्छे से मैं क्या कटा लूं, ऐसे हम एक्स्ट्रा डो निकाल लेंगे और इसकी लोई करके फिर से हम पापड़ी बना लेंगे। तो ढेर सारी पापड़ी हम बना सकते हैं इतना ही डो से। अब चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। तेल गर्म होने के लिए रख लिया है, तेल अच्छा खासा गर्म हो चुका है। तेल को सबसे पहले हमें गर्म कर लेना है, फिर फ्लेम को हमें स्लो कर लेना है क्योंकि तेज फ्लेम भी हम पापड़ी कभी फ्राई नहीं करते हैं, नहीं तो ये ऊपर से जल जाएगा और नीचे से क्रिस्पी नहीं होगा। तो हमने गैस को मीडियम करके और एक एक पापड़ी इसमें छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं एक बार में जितनी पापड़ी आ सकेगी हम इसमें डाल देंगे। एक साइड में हम 2-3 मिनट तक सीखने के बाद इसे उलट उलट के क्रिस्पी होने तक सेकेंगे। ऐसे हम इसको उलट देंगे और दोनों साइड से करारे होने तक सेकेंगे। तो चलिए हम दूसरा बैच में ट्राई कर लेते हैं। दूसरा बैच में थोड़ा सा छोटा साइज का कटिंग करी हूँ, आपको जैसा पसंद हो बड़ा साइज छोटा साइज वैसा पापड़ी बनाइए। तो हम ये छोटा साइज वाला फ्राई कर रहे हैं गैस को सेम मीडियम फ्लेम पे करके, और एक बैच में जितना पापड़ी आ सके उतना मैं छोड़ दूंगी। अभी से हम 8-10 मिनट तक उलट पलट के क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। आप देख सकते हैं हमने 8-10 मिनट तक पापड़ी को दोनों साइड से उलट पलट के सेक लिया है। तो ये पापड़ी का आप कलर देखिए, ठंडा होने पे मैं आपको तोड़ के भी दिखा दूंगी कितना क्रिस्पी हुआ है। तो ये अपना परफेक्ट पापड़ी तैयार हुआ और सेम प्रोसेस से हम सभी डो का पापड़ी बना के तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया हमने कितनी आसानी से पापड़ी बना के तैयार कर लिया। ये पापड़ी बनाना जितना आसान है खाने में उतना ही टेस्टी है। तो इस होली पे आप भी इस पापड़ी को जरूर बनाइए। कभी भी कोई मेहमान आए आप फट से इसकी प्लेटिंग करके पापड़ी चाट बना के दे सकते हैं। इसे डब्बा में भर के आप 8 दिन पहले भी बना के रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस रेसिपी को आप भी ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।